यूपीएससी एस्पिरेंट की ना, यूपीएससी एस्पिरेंट की ये टाइमलाइन रहती है मोटिवेशन की, ये टाइमलाइन रहती है मोटिवेशन की, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी ध्यान रखना, आपके साथ भी ये हो रहा होगा और अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। सी नॉर्मली यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है जून में, लेट्स से जून 2020 से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम है आपका प्रीलिम्स का जून 2021 में आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, और नेक्स्ट एग्जाम जून 2022 के अंदर है। तो ये ना, तो यूपीएससी एस्पिरेंट की जो मोटिवेशन की ट्रेजेक्ट्री रहती है ना, दिस इज द मोटिवेशन ट्रेजेक्ट्री, जो मोटिवेशन ट्रेजेक्ट्री रहती है वो कुछ ऐसी रहती है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पूरा एंथुजियाज्म होता है कि भैया हम तो पेपर क्रैक कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, डीसी बनेंगे, सपने देखते हैं, तो उनकी मोटिवेशन स्टार्ट ही यहाँ से होती है, स्टार्ट यहाँ से होती है और ये इंक्रीज होती 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 जाती है, ये इंक्रीज होती जाती है। लेकिन बाय द टाइम यू रीच द मंथ ऑफ अक्टूबर, वहां पर आपको पता चलता है कि सिलेबस सच में बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमसे कोप अप नहीं हो रहा, ऑप्शनल भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पहले अटेम्प्ट में तो किसी का नहीं निकलता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ये मोटिवेशन नीचे गिरती जाती है, जिससे स्टार्ट किया था उससे भी नीचे गिरती जाती है, और ये फेज आपका चलता है टिल रफली फेब्रुअरी, दैट इज लेट्स से फेब्रुअरी 22 तक ये चलेगा। उसके बाद जब पेपर का टाइम कम रह जाएगा, आप देखिए द टाइम इज लेस, द टाइम इज लेस, तब फिर से मोटिवेशन बढ़ेगी, पर वो इसी लेवल तक पहुंच पाती है पेपर तक, which is below with what you started with. तो इस फेज में पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप में जिससे स्टार्ट किया था आप में उतनी मोटिवेशन भी नहीं रहती, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे पेपर निकालना यहां पर और डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए, जो मेरा आपको एडवाइस है, ये वाला जो फेज है ना, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, अक्टूबर टू फेब्रुअरी, इसके अंदर क्योंकि ठंड भी बढ़ने लगती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठंड भी बढ़ रही होती है, साउथ में तो मैरिटाइम इफेक्ट है पर स्टिल ठंड भी बढ़ती है, ऊपर से सिलेबस का एकदम से बोझ आ जाता है कि ये भी सिलेबस पढ़ा है। सी बहुत टाइम है, डोंट वरी, फेब से जून तक भी बहुत टाइम है आपके पास अवेलेबल, लेकिन आप इस टाइम को वेस्ट ना करना जो अक्टूबर से फेब तक है। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं कंप्लीट करो अभी, ये मत सी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, यहां पर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पड़े होते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेंडिंग है, लेट्स से 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अभी नहीं हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, दे आर पेंडिंग, और यहां पर आपने 3 से 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डन, यू हैव ऑलरेडी डन दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन यहां पर यू देन ट्राई टू वरी अबाउट दिस, यहां पर जब आप होते हो आज के जब आप टाइम पे होते हो, यू वरी अबाउट दिस कि मेरे को तो वो याद ही नहीं है, लेट्स से मैंने पॉलिटी पढ़ा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन देखा, मेरे को आता ही नहीं था, उस टेंशन में यू आर नॉट एबल टू स्टडी हियर, और वो गिल्ट आता रहता है बार बार, और आप पढ़ते ही नहीं हो, एक दिन पढ़ाई छूटती अगले दिन छूट के पूरा हफ्ता हफ्ता निकल जाता है ऐसे कि यार कल का भी नहीं था ये भी। सी जैसे आपने आज का दिन टारगेट बनाया होगा कि आज मैं लेट्स से पॉलिटी भी रिवाइज करूंगा, करंट अफेयर भी करूंगा, आपने सोचा होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप वो कर नहीं पाते हो टेंशन की वजह से, और उसकी वजह से आप अगले दिन भी नहीं पढ़ पाते, पूरा दिन वेस्ट, ऊपर से न्यू ईयर आपको लगता है कि चलो पेपर अभी दूर, यू आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज 1 यू आर वरिंग अबाउट द पास्ट सब्जेक्ट्स, 2 आपको लगता है सिलेबस तो टाइम पे हो ही नहीं पाएगा, सिलेबस वॉन्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये लगता है आपको, ये लगता है, और दूसरा ये लगता है यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट्स, not able to study or achieve the targets. तो देखिए ये phase अपना maximize करो, इसका solution बहुत simple है, इस phase के लिए make just small targets. जो आपकी classes, देखो हर एक के साथ ये होता है, ये कभी मत सोचो कि अगली बार paper देंगे, ये हर एक के साथ होता है, छोटे छोटे targets बनाओ, बिल्कुल छोटे छोटे targets बनाओ, और छोटे targets का क्या मतलब है मेरा, कि let's say 2-3 घंटे के target बनाओ, लेट्स से आपका कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है स्टैंडर्ड बुक बस में पढ़ूंगा, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको क्वेश्चंस आते होंगे, ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस बाय मेकिंग स्मॉल टारगेट्स, 2 घंटे के टारगेट्स, 3 घंटे के, और धीरे धीरे अपना स्टडी पैटर्न इंक्रीज कर दो, है ना। लेट्स से जो बुक्स हो चुकी है टाइम बांट लो कि 4 घंटे में नए सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा और 2 घंटे रिवाइज करूंगा, नहीं हो पाता है तो नो गिल्ट, कोई बात नहीं, बहुत टाइम, बट गिल्ट नहीं करना है, सब याद हो जाएगा, ये सबके साथ होता है, डोंट वरी, कोई गिल्ट नहीं रखना है,
क्योंकि पूरा हफ्ता हम वेस्ट नहीं कर सकते, एक दो दिन तैयारी नहीं होती चलेगा, पर पूरा हफ्ता हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सी, और आप मानो या ना मानो, ये आपके साथ हो रहा है। आपको टेस्ट सीरीज यहां पर कुछ ज्वाइन करनी है, जैन फेब के बीच में टेस्ट सीरीज यहां पर ज्वाइन करनी है, तो अभी आप रिजल्ट की वेट ना करें, अभी आप रिजल्ट की वेट ना करें, अभी आप सिर्फ एक चीज की वेट करें कि हमें अपना सिलेबस करना है और छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। याद नहीं है पिछले सब्जेक्ट्स, कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है ना, हो जाएगा, सबके साथ होता है ये। गलती से भी दो चीजें नहीं सोचनी, एक तो गिल्ट नहीं लेना, अगर एक दिन पढ़ाई ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही कोई बात नहीं अगले दिन पढ़ लेना, पर सोचते रहोगे टेंशन में रहोगे तो आप क्या करोगे, अगला दिन भी वेस्ट करोगे। होता है कभी कभी हमारा पढ़ाने का मन नहीं करता, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, कभी कभी हफ्ते में तीन बार आ रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार दो दिन कर लेंगे। तो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, ये फेज अपना डूबने मत देना, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेब के बाद नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ते हैं फेब के बाद क्योंकि पेपर सामने आता है, लेकिन वो पेपर निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपने पहले तीन महीने बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिए। तो अपनी ये जो नीचे डूबता हुआ कर्व दिख रहा है ना अक्टूबर टू फेब, मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव हियर, बैठे रहो टेबल पे, बुक खोल के बैठे रहो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, जो आपकी पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए सब्जेक्ट्स होते रहेंगे, पुराने सब्जेक्ट्स याद नहीं है कोई बात नहीं, पर जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। टेस्ट सीरीज जान से कर लेना, अभी रिजल्ट मत सोचो, अभी आपके 200 में से -200 आ रहे हैं कोई फर्क नहीं, नॉट पॉसिबल बट आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रोल नंबर भी गलत लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं, अभी पेपर नहीं है ना, तो इसीलिए अपना टाइम बांट लो शेड्यूल के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स। सी, ऐसा भी नहीं करना है जैसे आप बता रहे हैं अभी कि आप पूरे दिन मैगजीन पढ़ने बैठते हो और पूरा टाइम उसमें चलते, टाइम रख लो उसके लिए, 2 घंटे के लिए मैगजीन पढ़ूंगी, 3 घंटे के, सी स्टैटिक सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट्स रह गए हैं 3 to 4 hours फॉर दिस, मतलब मेजर टाइम फॉर दिस, पुराने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए 1 hour, 1.5 hours और करंट अफेयर्स करने के लिए 2 hours, ये टारगेट रखो। इनमें से कोई भी मिस होता है, सी लेट से आपने हफ्ते का टारगेट, दो टारगेट्स बनाने हैं, देखो ये मैं बता ही देता हूं, मेक टू टारगेट्स, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ, ये छुट्टी है आपकी, मंडे टू सैटरडे टारगेट बनाओ कि जो मेरे सब्जेक्ट्स बच गया है, जो मैं फ्रेश सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं 3 से 4 घंटे, जो पुराना सब्जेक्ट है पास सब्जेक्ट उसके लिए लेट से 1 to 2 hour, मतलब आप ज्यादा बना सकते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये स्टार्ट करो करंट अफेयर्स के लिए, लेट्स से ऐसे कोई टारगेट बना लो 2 hours, तो 5 दिन के हिसाब से आपके टारगेट बन गए, लेट्स से करंट अफेयर के आपके 10 hour का टारगेट है 5 दिन का, आप 5 दिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए तो अपना संडे ऑफ कैंसिल करो और यहाँ पे बैठ के 10 घंटे लगातार बैठ के अपना करंट अफेयर करो। संडे इज योर ऑफ व्हेन यू आर एबल टू फिनिश योर स्मॉल टारगेट्स, संडे इज योर कॉम्पनसेशन बफर If you are not able to complete your Monday to Saturday वाला target, done है। सिर्फ 3 दिन छुट्टी लेनी है, लो संडे को बैठ के कवर करो, वो आपके ऊपर है कैसे कवर करते हो, obviously इतनी मैथ सबने पढ़ी है, स्पीड बढ़ाओगे तो कैचअप हो जाए, सी समझ रहे हो, टारगेट 2 बनाओ, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे और एक संडे, तो जो मंडे टू फ्राइडे नहीं कर पाते हो वो सैटरडे संडे कवर करो, या जैसे भी आपको बनाना है, 2 टारगेट बनाओ हफ्ते में, 5 दिन और 2 दिन का बनाओ, वो भी बेटर है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे टू संडे, या मंडे टू सैटरडे और संडे ऑफ, संडे पूरे दिन आराम से रेस्ट करना, कुछ नहीं करना, सोना, अगर आप ये टारगेट्स पूरे करते हो वो आपका रिवॉर्ड है फॉर कंप्लीटिंग योर टारगेट्स फॉर मंडे टू सैटरडे, नहीं करोगे तो छुट्टी मिस हो जाएगी, वो एथिक्स में पढ़ाते हैं ना थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वो वाली चीज है, सी समझ आ गया, मेक श्योर योर डिक्लाइनिंग कर्व इज नॉट दैट मच डिक्लाइंड, राइट, मेक श्योर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी मोटिवेशन ऊपर चली जाएगी, जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत मोटिवेशन होती है, मेरे को पता है, उससे ऊपर मोटिवेशन नहीं जाएगी, चली जाती है तो ब्रिलियंट, लेकिन मेक श्योर उस तक तो रहे, गिव अप नहीं करना है, नो गिल्ट, ये वो टाइम है जब सारा प्रेशर आ जाता है कि ये भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी करना है, बकल नहीं करना, स्टोरी में बोलता हूँ ना कि जब ब्रिटेन लाला लाजपत राय को कहता है कि या तो अरेस्ट हो जाओ या तड़ी पार हो जाओ, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद देश छोड़ के चले जाते हैं, और ही इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन उनसे बड़े लीडर तिलक बन गए या उनके स्टूडेंट भगत सिंह बन गए, क्योंकि वो उस टाइम पे मुसीबत के टाइम पे थोड़ा सा शायद बकल कर गए, हालांकि फ्रीडम फाइटर हैं,
वेरी यू नो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट मुसीबत के टाइम पे डटा रहता है ना, वही हिस्ट्री बनाता है ना, आपको वही बनानी है।